दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टी ब्रांचेस और मल्टी पोजीशंस के लिए वैकेंसी लाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों इसलिए आप अगर किसी भी फील्ड से जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी लाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज है बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वॉकिंग इंटरव्यू 9 तारीख का होने वाला, जहाँ पर BSc MSc और आपका बी फार्मा एम फार्मा बी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल BSc MSc ITI AOCP के लिए वैकेंसी, जो इंटरव्यू आपका 9 तारीख का होने वाला है। अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों देखो यहाँ पर रिज्यूम सेंड कर दें और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो दोस्तों मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको नोटिफिकेशन कम टाइम में सारे नोटिफिकेशन दिखा सकूँ। दोस्तों नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पर 8-9 नवंबर का इंटरव्यू होने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ बी सिविल 18 से 25 ईयर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जहाँ बी सिविल और डिप्लोमा सिविल 10 से 15 ईयर एक्सपीरियंस, तो स्ट्रक्चर मैनेजर जहाँ बी सिविल 10 से 15 ईयर एक्सपीरियंस, QA QC के लिए बी और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा है सिविल से, 8 से 12 ईयर एक्सपीरियंस, QA QC इंजीनियर बी और डिप्लोमा सिविल 4 से 7 ईयर एक्सपीरियंस, प्लानिंग बिलिंग मैनेजर जहाँ पे दोस्तों सारी ब्रांचेस ITI और तक हैं, यहाँ पे ब्रांचेस इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले डिप्लोमा वाले भी हैं, जहाँ पे BCom वाले भी हैं और दोस्तों BA वाले भी भर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, BA वालों के लिए नौकरी मिलती नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा मौका है अगर उनके पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मेल ID दिया हुआ है, हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों 8 और 9 नवंबर। नेक्स्ट बात करूं तो दोस्तों HD BEEF में जो वैकेंसी है, जो ब्रांच इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और रिलेटिव एक्सपीरियंस 3 साल का होना ही चाहिए। तो मेल ID दियो, अगर आप इससे रिलेटिव हैं तो अपना CV फॉरवर्ड कर दें। दोस्तों नेक्स्ट बात करूं तो डिप्लोमा और BEEE 2018-19 के पास आउट हैं, तो आप फ्रेशर के लिए ग्रेजुएशन इंजीनियर और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 4 से 8 नवंबर तक यहाँ इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और ऐसे अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए वैकेंसी निकलने वाला है, जो ITI है, क्वालिफिकेशन एज की बात करूं तो 15 से 24 ईयर मांगा हुआ है और यहाँ पर लिंक ऑफिशियली लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ब्रांच सेल मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच जो भी है क्वालिफिकेशंस दिए हुए यहाँ पर सबके, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इनका 7-9 नवंबर का इंटरव्यू रखा गया है हैदराबाद और दूसरा भी है विजयवाड़ा, तो आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। सामने आपके पास नोटिफिकेशन है और ईमेल ID भी दिया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन इसी तरीके के हैं, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, अलग अलग लोकेशंस के लिए हैं। देखो लोकेशन अलग अलग है, नागपुर जो भी है। देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन, थोड़ा जल्दी निकाल के हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अलग अलग लोकेशन के लिए सूरत अहमदाबाद, हाँ और देखो बहुत सारी लोकेशंस के लिए हैं, रांची के लिए भी है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, हावड़ा जो भी है, आप इंटरेस्टेड हैं। देखो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसीज है, अबू धाबी के लिए मेल ID दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको देखो पेट्रो जॉब्स बैचलर डिग्री मांगा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी मेल ID दिया हुआ नीचे। डिप्लोमा और बैचलर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है, ईमेल ID आपके सामने, ये नोटिफिकेशन आप देखते जाएं, यहाँ 9, 11 और 12 का इंटरव्यू होने वाला है। सारे नोटिफिकेशन देखो, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीचे मेल ID दिया हुआ है। देखो इसे जूम करके आप नोटिफिकेशन को पूरा, आप जो वीडियो देखते हैं तो उसे पूरा कर लें ओपन, तो आपको नीचे मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर देखेगा। दोस्तों बॉयलर टेक्नीशियंस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियंस वगैरह मैकेनिकल टेक्नीशियंस जो भी है पंप रूम ऑपरेटर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
10-11 का उन्हें करेंगे अरेंजमेंट। BSc MSc बी फार्मा एम फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर इंटरव्यू हुए, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल आई डी दिया है। वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों BE और BTEC MTEC MCA MSc और BA के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 10 तारीख का रखा है इन्होंने दोस्तों। प्रोडक्शन केमिस्ट जहाँ पर मेल ही बढ़ सकता है केवल, ठीक है। ITI डिप्लोमा बी फार्मा एम फार्मा BSc, तो यहाँ पर पास आउट केवल 2016 से और 19 तक ही भर सकते हैं। देखो एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैकेंसी जो 29 तारीख का ये इंटरव्यू करने वाले हैं, जहाँ पर MTEC केमिकल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है और टेक्नोलॉजी, तो मेल आईडी दिया हुआ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के हिसाब से भर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो यहाँ पर BSc वाले भी भर सकते हैं, देखिए 52% के साथ अगर पास किया तो मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टोर कीपर वगैरह के लिए जो भी है, जहाँ पर MCOM BBA जो भी SSC क्वालिफिकेशन BSc MSc जो भी क्वालिफिकेशन मांगी अलग अलग डिजिनेशन के लिए मेल आईडी दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अगर हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी दिखा चुका हूँ लेकिन आप याद 10 के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ नोटिफिकेशन डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, अगर इंटरेस्ट हैं तो दोस्तों यहाँ पर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप इसे भर सकते हैं। ये आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में वैकेंसी है, जो फील्ड ऑपरेटर डिशेस ऑपरेटर मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन QC ETP और फायरमैन के लिए है, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, डिप्लोमा केमिकल ITI UCP ITI फिटर ITI इलेक्ट्रिकल MSc ITI UCP BSc केमिस्ट्री डिप्लोमा केमिकल एनवायरमेंट और डिप्लोमा HSC एंड फायर एंड सेफ्टी। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू है 6 तारीख का होने वाला है, 2018 और 19 का बैच वाले यहाँ ग्रेजुएशन वाले BTEC और BCA और 2018-19 के पास और 60% के साथ किया है तो वो लोग 9 तारीख का अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए वैकेंसी है, तो अब मैं थोड़ा नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी करूँगा, परचेज ड्राइवर टूल इंजीनियर वगैरह अकाउंटेंट परचेज ऑफिसर डिजाइन वगैरह फैब्रिकेशन प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर डिजाइन इंजीनियर अकाउंटेंट ऑफिस असिस्टेंट क्वालिफिकेशन सामने दिया। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मार्केटिंग सेल्स फिटर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा जो भी है मेल आई डी दिया सामने, पोजीशन कितना है क्या क्या है सारा कुछ दिया यहाँ पर मार्केटिंग वगैरह के लिए। ये 9 तारीख का होने वाला है, आपके सामने सारे नोटिफिकेशन करते हुए कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए बायोटेक्नोलॉजी, तो मेल आईडी वेल आईडी सब दिया है। डिप्लोमा BE मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया है तो फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखो मार्केटिंग सेल्स के लिए वैकेंसी है, हैं सारे देखो अपना अपना QA सीनियर जो भी है बिजनेस वगैरह के लिए डेवलपमेंट सेल्स मार्केटिंग अकाउंटेंट वगैरह इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए वैकेंसी है। देखो यहाँ पर सारे अगर नोटिफिकेशन है तो उसका पूरा यहाँ पर मेल आईडी का कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर वैकेंसी वॉकिंग इंटरव्यू 9 नवंबर का होने वाला है, तो यहाँ पर टाइमिंग और सारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है जो BTEC सिविल और डिप्लोमा सिविल के लिए। TUE के लिए वैकेंसी है BE MTEC कोटिंग टेक्नोलॉजी पेंट टेक्नोलॉजी पॉलीमर मैकेनिकल और केमिकल के लिए वैकेंसी है, आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन मेल आईडी दिया हुआ है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मैं थोड़ा छोटा छोटा थोड़ी देर में ही बता रहा हूँ नोटिफिकेशन, इसलिए आप लॉन्ग नोटिफिकेशन पढ़ लें। अप्लाई मेल आईडी दिया हुआ आपका QA QC के लिए वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन एम फार्मा वगैरह मांगा हुआ क्वालिफिकेशन मेल आईडी दिया हुआ है, एम फार्मा क्वालिफिकेशन 8 से 12 ईयर एक्सपीरियंस पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एम फार्मा बी फार्मा क्वालिफिकेशन MSc भी भर सकते हैं।
तो यहाँ पर 8 नवंबर का इंटरव्यू होने वाला है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और इसका एड्रेस भी दिया। देखिए ये होने वाला है वॉकिंग इंटरव्यू, अगर अटेंड करना चाहते हैं तो 9 नवंबर को अटेंड कर सकते हैं। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक और बी एम एस सी क्वालिफिकेशन मांगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए बी बी टेक, बी सी एस और बी सी ए 60% के साथ है तो 9 नवंबर को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर देख लेते थे जूम करके, तो यहाँ पर देखिए एम एस सी एग्रीकल्चर जो भी है, केमिस्ट्री और एम एस सी जो भी है क्वालिफिकेशन दिया है और पेमेंट दिया है, सब कुछ है यहाँ पर। तो आपको 9 तारीख से पहले पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है, पूरा दिया हुआ आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, इसका बायोडाटा फॉर्मेट है जो भी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी बी टेक के लिए रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन दोस्तों बी बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्यों गेट क्वालिफाइड हो, या एम एस सी एम ई एम टेक केमिकल इंजीनियरिंग से करे हो तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मेल आई डी वेल आई डी सब दिया है। नोटिफिकेशन मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, मास्टर साइंस जो भी है, यूपीएल के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर आईआईटी एओसीपी डिप्लोमा केमिकल बीएससी केमिस्ट्री वगैरह के लिए। दोस्तों नोटिफिकेशन लॉन्ग वाले नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसको अच्छे से समझाना। टाटा स्टील में वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, अलग अलग ब्रांचेस दिया हुआ। देखो यहाँ पर मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, आईटीआई, कंप्यूटर और फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और बीसीए, बीएससी, आईटी, एलएलबी और एमसीए के लिए वैकेंसी है, एमबीए के लिए भी है। तो आपको देखो पूरा नोटिफिकेशन कैसे कैसे क्या क्या करना पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंसी, तो दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी में थोड़ा नोटिफिकेशन देखो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर जो बी टेक मांगा हुआ, बी बी टेक केमिकल और बी एस सी ऑर्गेनिक केमिकल से केमिस्ट्री, जो बेद 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस, तो बैच प्रोसेस का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहला प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑपरेशन आईटीआई 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, बी एस सी 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल आईडी दिया हुआ। दोस्तों यहाँ पर बैचलर अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग से तो 1 पोजीशन है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग 4 पोजीशन है, बी एस सी केमिस्ट्री से लैब के लिए 2 पोजीशन है, डेटा ऑपरेटर पोजीशन में 2 हैं, सिक्योरिटी पोजीशन के लिए 3 हैं। देखो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, मेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9638732177। दोस्तों यहाँ पर देखिए एस आर एम में वैकेंसी है, तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जाके देख सकते हैं, एस आर एफ के लिए मैं बनाया है। दोस्तों यहाँ पर सेल्स वगैरह कंप्यूटर क्यू ए क्यू सी के लिए वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया, वॉकिंग इंटरव्यू 9 तारीख का होने वाला है, मेल आईडी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वैकेंसी है जो भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए सेफ्टी क्यूए और सुपरवाइजर स्टोर जो भी है, मेल आईडी दिया हुआ नीचे। ये भी इंटरव्यू 8 तारीख का होने वाला है, जो बीएससी एमएससी डिप्लोमा केमिकल बीटेक केमिकल और बीटेक ट्रिपल क्वालिफिकेशन के लिए, मेल आईडी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर देखिए पैकिंग ऑफिसर टेक्निकल और क्यूसी के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर अलग अलग बी फार्मा 12th पास, आईटीआई, डी फार्मा और बी एमएससी केमिस्ट्री, बी फार्मा एमएससी जो भी है क्वालिफिकेशन।